पूरी तो हम कई तरह से बनाकर खाते हैं। एक बार आप इस तरह से आलू और प्याज की पूरी बनाइए, बहुत टेस्टी लगता है। फूली फूली पूरी बनकर तैयार होती है, इसे आप अमरस के साथ एंजॉय करिए। खस्ता पूरी है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। चलिए इसे हम बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मनोरमा। कुक विद मनोरमा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आलू और प्याज की पूरी बनाने के लिए यहाँ पर हमने आलू लिए और प्याज लिए। दो आलू है मीडियम साइज़ का, जिसे हमने छील के इस तरह से रफली चॉप कर लिए है, अच्छे से वॉश कर लिए है। दो मीडियम साइज़ का प्याज है, जिसे हमने छील कर इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिए हैं। मिक्सी का जार लेना है, इसमें हम कटे हुए आलू डालेंगे, कटे हुए प्याज डालना है। यहाँ पर हमने दो हरी मिर्च को कट कर लिए, एक इंच अदरक का टुकड़ा छील कर जिसे बारीक टुकड़ों में कट कर लिए, इसे भी हम डालेंगे। इन सबको हम बिना पानी डाले ही पीसेंगे, इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं। आलू और प्याज है, इसका अपना पानी रिलीज होगा, उसी से सारा आसानी से पीसा जाएगा। देखिए सब हमने पीस लिए है, इसमें बिल्कुल भी हमने पानी का यूज़ नहीं किया है, आसानी से फिर भी देखिए सब पीसा गया है। जिसमें हम डो तैयार करेंगे उसी में सारा मिक्सचर डाल देंगे। अब इसी डो में हम 4 से 5 चम्मच सूजी डालेंगे। ये महीन सूजी है, आप महीन सूजी, बारीक सूजी, मोटी सूजी, कौन सी भी सूजी का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर हमने सफ़ेद तिल लिए, 2 चम्मच सफ़ेद तिल है, इसे डालना है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। यहाँ पर हमने काली मिरी ली है, 1 चम्मच काली मिरी है, छोटा चम्मच है, जिसे हमने कूट लिए है। कूटा हुआ काली मिरी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर 1 चम्मच हमने साबुत धनिया है, जिसे कूट कर लिए है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ज़रूर डालिए। पाउडर नहीं डालिए, कूटा हुआ साबुत धनिया ही डालिए। यहाँ पर हमने 1 चम्मच अजवाइन ली है, जिसे हाथों से इस तरह से रब करके डालेंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। यहाँ पर हमने भुना हुआ जीरा का पाउडर लिए, 1/2 चम्मच है, जिसे हमने बारीक कर लिए है। 1 छोटा चम्मच यहाँ पर हमने लाल मिर्च पाउडर लिए है, 1/2 चम्मच यहाँ पर हमने हल्दी पाउडर लिए है। यहाँ पर हमने 1 चम्मच नमक लिए, स्वादानुसार नमक लेना है। और हरी धनिया है, जिसे हमने बारीक कट करके लिए, हरी धनिया ज़रूर डालिए। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, स्पून से मिक्स कर लेना है। इस तरह से आप ब्रेकफास्ट ज़रूर बनाइए, बहुत टेस्टी लगता है खाने में, बच्चों को खासकर बहुत पसंद आता है। सब कुछ देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर हमने 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है, इसे डालेंगे। अब हमें इन सबको अच्छे से मिक्स करना है, 1 डो तैयार करना है। जितना ज़रूरत होगा उतना हम गेहूं का आटा और लेते जाएंगे, और बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं करना है। ज़रूरत के हिसाब से हम गेहूं का आटा इसमें डालेंगे। फिलहाल तो हमने 1 कटोरी गेहूँ का आटा डाली है। देखिए गिल्ला लग रहा है, इसमें और आटा हमें डालना पड़ेगा। थोड़ा हम गेहूं का आटा और डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसे गूंथते रहेंगे, पहले ही ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि हमें बिल्कुल भी इसमें पानी का यूज़ नहीं करना है। आधा कटोरी गेहूं का आटा और लग गया है, इतने में आसानी से गूंथा जाएगा। देखिए अच्छे से डो लग चुका है, आटा को हमने गूंथ लिए हैं। अब इस पर हम थोड़ा सा तेल या घी लगा लेंगे और 10 मिनट के लिए इसे हम रेस्ट पर रखेंगे। 10 मिनट हो चुका है आटा को रेस्ट करते हुए, अब हम इसे चेक करेंगे, थोड़ा सा हम और गूंथ लेंगे। आटा को देखिए हमने 1 मिनट और अच्छे से गूंथ लिए हैं। अब इसकी हम लोई बनाएंगे, जितना बड़ा हमें पूरी बनाना है उतना बड़ा हम लोई बनाएंगे। देखिए इस तरह से अब हमें बेलना है, थोड़ा सा हम तेल लगा लेंगे, रोलिंग बोर्ड पर तेल लगाएंगे, सूखा आटा का हम यूज़ नहीं करेंगे। पेड़ा रखेंगे और इसे बेल लेना है, बहुत आसानी से बेला जाता है। अगर आप इस पर तेल नहीं लगाओगे तो भी ये बेले जाएगा। देखिए ना ही ज़्यादा पतला है ना ही ज़्यादा मोटा है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो एक लाइक करिए, कुक विद मनोरमा चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर हमने तेल रखे गर्म होने के लिए, चेक करते हैं तेल गर्म हुआ है कि नहीं। देखिए तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें हम पूरी डालेंगे और इसे हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। मैं आपको याद दिला दूँ, आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो कुक विद मनोरमा चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसी मज़ेदार नई नई आने वाली रेसिपी के लिए इस तरह से आप पूरी ज़रूर बनाइए, बहुत टेस्टी लगता है, जिसे आप दही के साथ, चाय के साथ,
सॉस के साथ, चटनी के साथ, आमरस के साथ, जैसे भी खाइए बहुत टेस्टी लगता है। या तो फिर आप इसे ऐसे ही खाइए, या तो अचार के साथ खाइए। उलट पलट कर हम इसे फ्राई कर लेंगे, इस पर एक अच्छा सा कलर आ जाए तब तक हमें फ्राई करना है इसे। उलट पलट कर इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, इस पर अच्छा खासा कलर आ जाए तब तक फ्राई करना है। देखिए पूरी कैसे फूग रही है। इसमें हमने सूजी का इस्तेमाल किए है जिससे खस्ता बनेगा, खाने में बहुत अच्छा लगेगा। सुपर टेस्टी पूरी बनकर तैयार होती है, बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट है। एक बार इस तरह से ज़रूर बनाइए, बच्चों को टिफ़िन पर दीजिए, बच्चे खाकर खुश हो जाएंगे। सारी पूरी देखिए फूक रही है, ऐसा नहीं कि एक ही पूरी फूक रही है, सारी पूरी देखिए फूक कर तैयार हो रही है। इस पर देखिए अच्छा से कलर आ चुका है, इसे हम ऑयल में से निकाल लेंगे। देखिए अब इस पूरी को हम पलट देंगे, इस पर भी अच्छा खासा कलर आ जाए तब तक हमें फ्राई करना है। यहाँ पर जगह है, एक पूरी हम और डालेंगे। ऐसी सारी पूरियाँ हम बनाकर तैयार कर देंगे। सारी पूरी हमारी देखिए कैसे गुब्बारे की तरह फूक रही है। फूगी फूगी पूरी खाने में बहुत अच्छा लगता है। देखिए इस पूरी पर भी कलर आ गया है, इसे भी हम ऑयल में से निकाल लेंगे। सारी पूरियाँ हम ऐसे ही बना लेंगे। फूगी फूगी पूरी बनकर तैयार हुई है, इसे हम आमरस के साथ सर्व करेंगे। बहुत टेस्टी लगता है खाने में। एक मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ, देखिए एकदम खस्ता पूरी बनकर तैयार होती है। इसे आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ।